चंद्रपुरी से कुछ ही फासले पर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान और खाली रहती थी। इस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिस पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के वक्त ये झूला खुद ब खुद झूलने लगता था और आसपास का इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी की आवाज तो कभी रोने की आवाज। लोग इस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणवीर अपनी बीवी शिखा और दुख्तर पति के साथ कहीं जा रहा था। काफी देर हो गई ना, अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। अब्बा, मुझे खौफ हो रहा है, ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे, कहीं किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला किया तो? अरे बेटा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये जंगल नहीं है, गांव है, आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ फासले तक चली और यकायक रुक गई। क्या हुआ? मालूम नहीं, गाड़ी यकायक रुक गई। रणवीर ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तभी शिखा का तवज्जो हवेली की जानिब गया। देखो, यहाँ कोई पुरानी हवेली है। हाँ, मुमकिन है वहाँ कोई हो। मुमकिन है, चलो देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली की जानिब चलने लगे। इस हवेली को देखकर लगता है कि कई सालों से कोई यहाँ आया तक नहीं होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जरूर होगा। रणवीर ने हवेली के दरवाजे पे दस्तक दी। कोई है? कोई है? और तभी एक ज़ईफ़ा खातून एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर उनके रूबरू आई। कौन हो तुम? अम्मा, मैं रणवीर हूँ, ये मेरी बीवी शिखा और ये मेरी दुख्तर प्रीति है। हमारी कार यहीं सामने बंद हो गई है, रात भी काफी हो गई है, क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं? क्या रह तो सकते हो, लेकिन ये हवेली कई सालों से बंद है, अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सर पे छत मिल जाए यही काफी है। ठीक है। उस ज़ईफ़ा खातून ने हवेली का दरवाजा खोला और फिर सभी लोग अंदर दाखिल हुए। आज रात तुम लोग यहीं हॉल में सो जाना। जी। ज़ईफ़ा खातून वो लालटेन वहीं रखकर चली गईं। उनके जाने के बाद शिखा और रणवीर गुफ्तगू करने लगे। कितनी अजीब खातून थी ना ये। हाँ, लेकिन कम से कम रात गुजारने के लिए वक्त पे छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस वीरान इलाके में हम कहाँ भटकते। बजा फरमाया। प्रीति बेटा, तुम्हें सोफे पे सो जाओ, आप उस पर सो जाइए, मैं यहीं सोती हूँ। ठीक है। रात काफी हो चुकी थी इसलिए तीनों को जल्दी ही नींद आ गई, गहरी नींद। आधी रात को शिखा की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी दुख्तर प्रीति वहां नहीं है। प्रीति, प्रीति! शिखा की चीख सुनकर रणवीर भी उठ गया। क्या हुआ? प्रीति यहाँ नहीं है। यहीं कहीं होगी, इतनी रात को कहाँ जा सकती है? रणवीर और शिखा प्रीति की तलाश में लग गए। वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसकी तलाश करने लगे। प्रीति, प्रीति, प्रीति! शिखा और रणवीर हवेली के हर कमरे में गए लेकिन प्रीति कहीं नहीं मिली। प्रीति कहाँ चली गई? तभी रणवीर का तवज्जो खिड़की के बाहर गया। शिखा, वहां देखो। प्रीति, प्रीति पीपल के दरख्त के झोले पर बैठी थी। शिखा और रणवीर दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन दोनों ने देखा कि प्रीति किसी से गुफ्तगू कर रही थी लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये चाची जान मुझे यहाँ ले आई। कौन चाची जान? यहाँ कोई नहीं है। जब शिखा और रणवीर प्रीति के पास पहुंचे
तो वो यकायक हवा में उड़ने लगी। मम्मी, प्रीति। रणवीर और शिखा की नजरों के सामने उनकी दुख्तर उड़ती हुई उनसे दूर जा रही थी। रणवीर और शिखा प्रीति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यकायक प्रीति पीपल के दरख्त की जानिब गई और उस पीपल के दरख्त ने प्रीति को निगल लिया। प्रीति! रणवीर, मेरी प्रीति, मेरी प्रीति कहाँ गई? दोनों मियां बीवी रो रहे थे कि यकायक उनकी दुख्तर पीपल के दरख्त के झूले पर झूलती नजर आई। प्रीति, प्रीति, प्रीति बेटा। अम्मी, अबू, आप लोग रो क्यों रहे हो? रणवीर और शिखा प्रीति के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रीति को छुआ तो प्रीति एक डायन में तब्दील हो गई। डायन को देखकर शिखा और रणवीर खौफजदा हो गए और उस दरख्त से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डायन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर दाखिल हुई और डायन के हवेली के अंदर कदम रखते ही खंडहर सी हवेली नई नवेली हवेली में तब्दील हो गई। तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में दाखिल हुए हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? रणवीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो यकायक सीढ़ियां खुद ब खुद नीचे की जानिब चलने लगी। रणवीर, ये डायन हमें नहीं बख्शेगी। सही कहा, हरगिज नहीं बख्शूंगी। डायन ने शिखा और रणवीर को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। डायन एक से दो, दो से चार, चार से ढेर सारी हो गए। सारी डायने एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। शिखा और रणवीर खौफ के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणवीर पर हमला किया। रणवीर ने डायन के बाल पकड़ लिए। शिखा, तुम भागो। तुम भी साथ चलो। नहीं शिखा, भागो यहाँ से। रणवीर डायन के बाल खींचने लगा। छोड़ दे मेरे बाल, मैं तुझे मार डालूंगी। यकीनन तू मुझे मार दे, लेकिन मैं तेरा भी खात्मा कर दूंगा। डायन गुस्से में रणवीर को दीवारों पर पटकने लगी। रणवीर ने डायन के बालों को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। डायन रणवीर को यहां वहां पटक रही थी और फिर जब रणवीर जमीन पर गिरा उसके हाथ लालटेन लग गई। उसने फौरन लालटेन का कांच तोड़कर डायन के बालों में आग लगा दिया। डायन जलने लगी और साथ ही पूरी हवेली भी जलने लगी। रणवीर जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। शिखा रो रही थी। रणवीर को जिंदा देखकर उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आया। दोनों जिंदा तो थे, लेकिन अभी भी उनकी आंखों में अश्क थे। मेरी प्रीति। शिखा रणवीर के गले लगकर रो रही थी कि प्रीति पीपल के दरख्त की जानिब से दौड़ती हुई उनके पास आई। अम्मी, अम्मी। प्रीति, प्रीति, प्रीति तो ठीक है? प्रीति जिंदा है। शिखा ने दौड़कर अपने दुख्तर को गले लगाया, उसका माथा चूमा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि तू बच गई। लेकिन कैसे? अम्मी, वो पेड़ मुझे दबा रहा था, मेरे सांसें फूलने लगी, फिर एकाएक वो पेड़ जलने लगा और मैं आजाद हो गई। रणवीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए।
रणवीर ने बड़ी बहादुरी से डायन का मुकाबला किया। डायन की जान उसके बालों में होती है और इसीलिए उसके बाल जलते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो राख हो गई।